मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था क्लास 10th के इंग्लिश के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और मैंने आपको 10th क्लास के इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता दिया था, और अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं। और शॉर्ट क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 100% परीक्षा में आने ही आने हैं, किसी भी कीमत पर। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश कोचिंग्स नहीं जा पाते, स्कूल्स को नहीं जा पाते, प्राइवेट पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हर हालत में आप तैयार कर लीजिए। और वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर का है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मण, ठीक है। ये दोनों हमारे फर्स्ट चैप्टर के हो गए। और नेक्स्ट है हमारा कि हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट, ये सेकंड चैप्टर का है। और आपका जो है व्हाट डिड लैंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप 2019 लिख ही लीजिए, ये 100% आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, या फिर और करके अथवा में इसका दूसरा मीनिंग्स भी है कि व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2019 की परीक्षा में किसी न किसी सेट में आएगा ही, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू, व्हाट गेव इट हिम प्लेंटी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज नेहरू अटैच्ड टू गंगा। ये तीनों जो चैप्टर है हमारे, वो तीनों नहीं, ये हमारे जो है 1, 2, 3, ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे थर्ड चैप्टर से हैं, द गंगा नाम के चैप्टर से हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सॉक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू द पीपल, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2019 की परीक्षा में रखा ही रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सॉक्रेटिस बाय द जज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी जरूर तैयारी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू हिज सन इन द लेसन टच वॉरियर्स, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी भी अच्छे से तैयारी कीजिए। वैसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पे मैं आपको मार्क करके बताता ही जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हाई शुड गुड पीपल नॉट स्टे एट वन प्लेस, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। इसके बाद में मैंने 12 क्वेश्चंस आपको बता दिए, 12 क्वेश्चंस के बाद में थोड़े से क्वेश्चंस और हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गुरु नानक प्रे फॉर द पीपल ऑफ द सेकंड विलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि व्हाई हैज अ गुड सिटीजन बीइंग कॉल्ड द सेंटर ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% रखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है कि व्हाई वाज ब्रह्मा सेड तो कुल मिलाकर आपके 16 क्वेश्चंस होगा, और 16 क्वेश्चंस में से आपकी परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो पढ़ना हुआ करे, जिसके बारे में जानकारी लेनी हुआ करे, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, लिखा करें और हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन एक होता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।